हम सामान भी उठा रहे हैं और हम बच्चा भी उठा रहे हैं। शर्म आ गई वेव करके दिखा लो। वेव कैसे करते हैं? तो गाइस हम लोग बदरपुर आ गए हैं, बट जैसा कि आप देख सकते हो सबकी चाल जो है पेंगुइन चाल हो गई है। हर कोई पेंगुइन की तरह चल रहा है। होता है भाई, जब आप वैष्णो देवी चढ़ के आओगे ना तो ऐसे ही होगा। क्यों मैम? तो यहाँ खाना भी बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मीटिंग साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी ने अपनी तो भाई थोड़ा सा ब्लिंकेट से सामान भी मंगा लेता। मम्मी को खाने में बनाने में हेल्प चाहिए थी। ये क्या बना रहे हैं मम्मी? रायता बना रहे हैं। तो गाइस आज हम आपको सिखाएंगे रायता कैसे बनाते हैं। तो मदर डेयरी या किसी भी कंपनी का पहले ले छाछ, उसको फाड़ो और एक ऐसे बर्तन में डाल दो। मम्मी अब क्या करना है? अब क्या करना है? छाछ इसमें दही, उसमें दो छाछ मंगा लेते, इसको अलग से फेंटा क्या? वो नहीं है, मजा आएगा ना वैसे। ओहो, मजे के लिए एक दही का पैकेट मंगाना है जिसको आपको मिक्सी में फेंटना है अच्छे से। गैस मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गैस मैं ब्रेक में चला गया था, तो उतने मम्मी ने वो क्या बोलते दही को फेंट के इसमें डाल दिया। और क्या डाला? बूंदी, बूंदी डाला, नमक डाला, और काला नमक डाला है। अब मसाले डाल रही हूं। अब मसाले डाल रही। कौन सा मसाला है? जीरा है, काली मिर्च है, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च। और इसमें डाल दिया, अब इसको घुमा देंगे बस। और कुछ नहीं, बन गया रायता। हाँ तो ऐसे रायता बनता, बना लेना। क्या बोल रहे? मस्त क्वेश्चन। नहीं नहीं, एक 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 क्या होता है? एक जवाब तो एक बताना पड़ेगा, मम्मी के साथ या मेरे साथ, जल्दी बता। के साथ। आप बताओ जल्दी भाई, सवाल पूछा वैलिड, जल्दी बताओ। हैं? अब इन्हीं के साथ जाइए तू, चल। ठीक है, हाँ ठीक है, करवा करना एंजॉय। गिफ्ट ऐसा करते रहते हैं हम, यू नो। रख लो, आप रख लो। हाँ रख लो, उसमें क्या दीदी के लिए दूसरा बनवा के देना। तो दे देंगे, उसमें क्या है? हैं? ये भी रख लो। रख लो भाई, जो रखना है रख लो, दोनों मम्मी ही हो, पाला तो आपने ही है। फाइनली गाइज इतने दिनों बाद हम सब लोग घर पे आके घर का खाना खा रहे हैं। एज इन पापा ने बनाई है भाई, वही अपनी फेमस पनीर की सब्जी। मम्मी ने टमाटर की चटनी बना दी जल्दी से, एंड रायता भी बना दिया। तो खाना खाते हैं, लेट्स गो। हट, ऐसे थकान दिख रही है भाई। ऐसे कर सकता गाइज कोई? सो गाइज डेढ़ दो घंटे की नींद पूरी करने के बाद अब हम लोग अपनी ऐसी तैसी करवा के जा रहे हैं स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो तो जाना पड़ेगा, फ्राइडे से क्लास स्टार्ट थी। तो लेट्स सी आज कैसा होता है, इतना वॉक करने के बाद क्या हाल होता है खाने का। दर्द होना है ना, इसीलिए स्ट्रेचिंग करवा रही है मैम। सो गाइस बहुत तेज तेज दिन निकल रहा है, मुझे नहीं पता कब कैप्चर कर पा रहा हूँ कब नहीं कर पा रहा। तो क्लास खत्म करने के बाद मैं और मैम गए थे निरंजन के यहाँ अफगानी मोमोज लेने के लिए, क्योंकि मौसी आई थी आज, मौसी निकल रही थी और ये छुटकी को हमें खिलाने थे मोमोज। तो रितांशी के लिए हम लोग लेके आए मोमोज, रितांशी को मोमोज खिलाया है। अब इन लोगों की बस है तो पापा इन लोगों को छोड़ने जाएंगे सराय काले का। वाइस मैम को मुझे फेंकना है मेट्रो स्टेशन, तो मैं जा रहा हूँ मैम को मेट्रो स्टेशन फेंकने।
तो हाँ बस यही चल रहा है भाई, हवड़ दबड़ दिन निकल रहा है। बॉडी टूट रही है भाई, टूट रही है, लग रहा पर्वत को लेके हम कंधों पे चल रहे हैं, चलने पटे। यस क्या हो गया, घर पे थे ना इसलिए बोल रहे हो अभी। क्या झूठ पकड़ी हुई? पापा गए मौसी को छोड़ने। पापा जा रहे हैं छोड़ने? पापा गए, अब वीडियो देख लेना पूरी, गए कि जा रहे हैं। तो इससे समझ आ रहा है ना कि मेरा मानसिक संतुलन अभी बिगड़ चुका है थकान की वजह से। चलो भाई बाय बाय। आता हूँ मम्मी। भागो भाई भागो, मेट्रो खड़ी है। भागो मैम, आपकी मेट्रो आ गई। क्या कर रहे हो, आराम से जा रहे हो? भाई पीछे से ना शिवजी लग रहे हो आप। तो भाई पहुंच गए बदरपुर बॉर्डर, फाइट नाम को छोड़ दिया हमने कालका जी मंदिर। एंड जस्ट अभी पहुँचा हूँ, आई गेस अभी साढ़े नौ दस बज रहे हैं। एंड भाई कमर ब्रो, कमर की हाल बुरी हो रखी है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे नहीं लड़ाते हुए सही बट चलेंगे। एंड घर चल के बाकी ब्लॉग करूँगा भाई, हिम्मत नहीं हो रही है, तो सीधा मिलते हैं घर। The next day. Hello guys, a very good morning. This is Abhishek Chaudhary and आज है 26 मई। एंड भाई जब से वैष्णो देवी से वापस आए हैं तब से कुछ सुधबुद्धि नहीं है, एज इन बॉडी टूट रही है, नींद का ठिकाना नहीं है। क्लासेस ले रहे हैं बट फिर भी ऊपर नीचे बहुत शेड्यूल रखा है सोने का। सो फाइनली आज जाके व्लॉग कर रहा हूँ। कल 25 तारीख को इलेक्शन था, इलेक्शन वाले दिन भी मतलब वोट तो मैं एक सेकेंड दिखाते हैं, वोट तो मैं दे के आया बट कैप्चर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हालत ही नहीं थी भाई, नींद में था। फिर सोते सोते वोट दे रहे गया, क्लासेस ली जल्दी जल्दी, मतलब बहुत बैंड बजी पड़ी। और बॉडी में जो दर्द है वो तो ऐसा लग रहा है घर कर गया एकदम। बाकी अभी मम्मी ने सुबह सुबह हमें दिए गर्मा गर्म चाय, नमक पारे और बिस्किट, मतलब बेसिक सा नाश्ता कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं अभी शाम का क्या सीन होता है यार। मतलब मेरा मन कर रहा था मम्मी पापा को ऐसे ना बाहर ले जाने के लिए खिलाने वाले डिनर वगैरह के टाइप्स का, तो लेट्स सी। पापा वैसे बाहर का कुछ खाते तो है नहीं, देखते हैं मम्मी वगैरह मतलब मानते हैं नहीं मानते इस प्लान के लिए, लेट्स सी। भाई ये गौ माता जी ना काफ़ी देर से यहाँ पे थी, तो मैंने अभी ना यहाँ पे पानी का टब रख दिया भर के, मतलब मैं अभी बाहर लेके भी खड़ा था, ये निशान आपको दिख रहा होगा, पर उन्होंने तब पिया नहीं, मेरे को लगा शायद शर्मा रही थी या पता नहीं, तो अभी मैंने रख दिया है। आई होप कि पिए, आई गेस पी रही हैं, क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मैंने कहा कि भाई पीने लायक पानी तो रख देना चाहिए, शायद पी रही हैं। पीने दो इन्जॉय। एंड भाई मेरे साथ तो यार इतनी गर्मी हो रही है ना, सब लोग अपने घर के बाहर एक एक टब पानी या एक एक बाल्टी पानी ना रख ही दो, गाय वगैरह आते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट पीने का पानी तो अवेलेबल रहेगा। वरना भाई हम लोग तो फिर भी चलो अपना रेफ्रिजरेटर खोल के वहाँ से पानी पी लेते हैं, कर लेते हैं, बट इनके लिए नहीं है भाई। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो ट्राई करो कि कर दिया करो, हमारा कुछ नहीं जाएगा बट उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। सो गाइस डिनर के लिए जाएंगे हम लोग मंडे को, मम्मी पापा मैं और निखिल। मम्मी कह रही है कि पापा कुछ खाते तो है नहीं, पर उनको कोई जूस वूस वहाँ पे दे देंगे, मतलब देखते हैं जूस या कुछ शेक वगैरह जो भी। मतलब पापा ना, अगर आप लोगों को पता हो ओम शांति के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में, तो पापा उससे जुड़े हुए हैं, मतलब हम सभी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बाहर बाहर खाना अवॉइड होता है, तो पापा बिल्कुल ही नहीं खाते, पापा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो इसलिए पापा जब कभी बाहर मीटिंग वगैरह के लिए भी दो तीन दिन के लिए जाते हैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं 3-4 दिन तक, एज इन कुछ बाहर का बना हुआ नहीं खाते। तो इसीलिए मम्मी कहती है कि चल ठीक है अगर लेके चलेगा डिनर पे तो जूस वगैरह कुछ ले लेंगे। तो अब देखते हैं कल क्या सीन होता है। तो अभी मम्मी बनाएंगे हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, देन हम वो खाएंगे। पर भाई इतनी गर्मी में मैं कह रहा हूँ अरे मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको बनाने में दिक्कत होगी ना, मैं कह रहा हूँ एसी लगाते हैं इधर, ठीक है जहाँ पे फोटो लगे, यहाँ पे एसी लगेगा तो सीधा किचन तक जाएगा एसी, बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा है, कर दे है। तो अभी पापा के साथ जाके ना एसी बुक करवा देता हूँ, 4 दिन में तो लग ही जाएगा, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह। बताओ है यार एसी से हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं, बट गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, क्या कम है, नीचे दुकान में तो ठीक थी, ठंडा था नीचे। भाई आप बताओ आज तारीख है 26 तारीख को धूप कैसी लग रही है दिल्ली वालों, आप लोगों को गर्मी कैसी फील हो रही है? मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है।
लग रही है भाई सही में। है तो खाएंगे दलिया, दलिया नहीं खाऊंगा मैं, आलू के पराठे ठीक है। तो गाइस हम जा रहे थे नहाने बट पानी इस मौसम में हो रहा है गर्म, तो अंशिका से जाके मैं बर्फ़ मांग लाया, वो बर्फ़ जमाती है नहाने के लिए, तो अब ये बर्फ़ डाल के नहाएंगे, लेट्स गो। चलो जी बाय बाय। तो गाइस रेडी हो गए। सो भाई गर्मी से अपनी सुरक्षा करते हुए चल रहे हैं हम सीधा मेट्रो, आई गेस आ चुकी है बट भागूंगा नहीं यार, फालतू अभी नहा के आया हूँ, पसीने पसीने खाऊँ फिर से। तो जा चुकी है मेट्रो, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया गाइस, टर्मिनेट मेट्रो आ रही है, बैठ के जाएंगे। बस यही सुकून चाहिए भाई ज़िंदगी में कि नहा धो के निकलो एंड टर्मिनेट वाली मेट्रो आ जाए और आराम से बैठ के जाए। भाई मेट्रो में भी मच्छर है भाई, इंसान सेफ रहे तो रहे कैसे। यार इस गर्मी के मौसम में सब बर्दाश्त है, बस ऐसी गर्मी में ना कहीं अगर काम कराना जाना पड़े ना, स्पेशली वेडिंग कोरियोग्राफी, तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता। बट कोई नहीं, काम इस काम, काम को सल्यूट है, तो जाना तो पड़ेगा चाहे कितनी भी गर्मी हो। बट भाई मैं लिटरली, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि पास एक दो ब्लॉक से मैं बार बार गर्मी गर्मी कर रहा हूँ, बट भाई जो लोग दिल्ली में हैं ना इस टाइम, उनको अच्छे से पता होगा भाई कि मैं क्यों इतनी हाई तौबा मचा रखी हूँ कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्योंकि एक्चुअल में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली में इज़ लाइक अलग लेवल का टॉर्चर भाई, अलग लेवल का टॉर्चर। बट कोई बात नहीं भाई, हिम्मत करके जा रहे हैं काम कराने, थोड़ा आराम आराम भी करेंगे, इन्जॉय भी करेंगे। सो बने रहे, आपको दिखाएंगे आगे का दिन। तो भाई वेडिंग का काम होता रहेगा, वहाँ तो पहुँचना ही है, पर हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं अपने मोमोज ताकि पेट में थोड़ी एनर्जी भी आए, एंड देन उसके बाद चलेंगे काम के लिए, लेट्स गो। भाई वैष्णो देवी जाने के बाद ना रेडबुल की बड़ी गंदी आदत लग गई है ना, मतलब ऐसा हो गया कि ये बहुत हेल्प करता है, तो इस ये भी ज़रूरी है भाई। तो भाई अभी हम आए हैं दीपाली के वहाँ, तो हमने आइसक्रीम्स ले लिए, एक बटर स्कॉच और एक चोकोबार। चोकोबार कितने वाली? बदतमीज, क्या है ये? भैया भी वेट कर रहे थे।